अलका आईवीएफ श्री तनक हॉस्पिटल उदयपुर राजस्थान से। हम 2024 की शुरुआत करते हैं भगवान का आशीर्वाद लेकर के कि वो हमारे को इस तरह से ब्लेसिंग्स दें कि हम सारे अधूरे परिवारों को पूरा करने में मदद कर सकें। आइए आज मैं आपको मिलाती हूँ अलका आईवीएफ के बाकी लोगों से। यह हमारा रिसेप्शन जहाँ पर आपको आकर के सबसे पहले कॉन्टेक्ट करना है, और इसके बाद में ये पूरा ओपीडी ब्लॉक है जिसके अंदर आकर के आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। आज जब 2023 खत्म हो रहा है तो आज मैं आपको पिछले साल के कुछ पेशेंट्स की सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये बात हम क्यों कर रहे हैं आज जब साल का आखिरी दिन है, ताकि मैं अपने सारे लोगों को ये मैसेज दे सकूं कि देखिए जिन भी लोगों के बारे में हम आपसे आज बताने वाले हैं वो कौन लोग हैं जिन्होंने हिम्मत करी है कि हाँ अगर हमें संतान नहीं हो पा रही है तो हम उसका इलाज कराएंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो आप उस चीज को अपने अंदर ही छुपा के मत रखिए, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जाइए, केवल एक बार अपने डॉक्टर से मिलिए और सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए, ताकि इस हैप्पी फैमिली के अंदर आप भी इंक्लूड हो सके और 2024 आपके लिए एकदम खुशी वाला साल होना चाहिए। उस इलाज में हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हम हर तरह से आपके साथ हैं। तो हम आपको अपने कुछ सक्सेसफुल कपल से मिलवाते हैं। ये जो दंपति दिख रहा है आपको, ये हैं चित्तौड़ के, और इसमें महिला की उम्र 45 साल हो गई थी। जब इनकी शादी को 12 साल हो गए हैं उसके बाद जाकर के इनको ये खुशियां मिली। यह दंपति आया था उत्तर प्रदेश हाथरस से, और इनके बच्चेदानी के अंदर बहुत सूजन था और कई बार ये टेस्ट टू बेबी करवा करके फेल होकर के देखिए उत्तर प्रदेश से राजस्थान में उदयपुर में आए और आज ही अपने घर में अपना खुशियों का सारा खजाना लेकर के गए। यह दंपति आए थे जनकपुरी उत्तर प्रदेश, जो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास में पड़ता है, और अभी इनको एक बेटा बेटी हो गए हैं। यह दंपति है उत्तराखंड का, और शादी के 22 साल के बाद में इनको अपने घर का चिराग मिला है। ये जो दंपति हैं, ये कई बार आईवीएफ से निराश हो चुके थे और किसी ने तो इनको सरोगेसी के लिए ही सलाह दे दी थी, परंतु इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इलाज कराया और एक ही बार में इनका आईवीएफ मेरे पास से सक्सेस होकर के ये अपने घर में बेटा लेकर के गए हैं। यहाँ आपको कई सारे दंपति जोड़े दिख रहे हैं, क्योंकि उस दिन सभी का रिजल्ट एक साथ पॉजिटिव आया था।